नगर निगम चंडीगढ़ के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनी मांजरा एवं कन्या वैदिक स्कूल मनी मांजरा में जागरूकता अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम चंडीगढ़ की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर काजल मंगला मुखी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने स्कूल के बच्चों को चार प्रकार के कूड़े को कैसे अलग अलग करना है और किस डस्टबिन में कौन सा कूड़ा डालना है एवं केवल एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक को प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर नगर निगम निरीक्षक दविंद्र रोहिल्ला ने बच्चों को जीवन में स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया और सभी स्कूल स्टाफ एवं बच्चों के माता पिता को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और अपने शहर को नंबर वन बनाने के लिए नगर निगम का साथ दें। अपने आसपास सफाई रखें, शहर को सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने के लिए अपना पॉजिटिव फीडबैक दें। रोहिल्ला ने बताया कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान शहर की मार्केट में बस स्टैंड पर स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल राजेश कुमार, प्रिंसिपल पूनम सेखरी एवं संपूर्ण अध्यापक गण एवं MOH विंग नगर निगम चंडीगढ़ के स्वास्थ्य प्रवेशक गुरमीत राणा, मुख्य निरीक्षक राकेश कुमार, निरीक्षक दविंद्र रोहिल्ला एवं मिक्की गहलोत, गुरप्रीत सुपरवाइजर और MOH विंग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। स्कूल में अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया उसके बारे में। जी, मैं इंस्पेक्टर दविंद्र रोहिल्ला वार्ड नंबर 6 से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पूरे इंडिया में चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारे जो कमिश्नर मैडम हैं उनके सख्त निर्देश हैं कि अब की बार हर हाल में चंडीगढ़ को नंबर वन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएं। उसके अंतर्गत आज हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं काजल मंगला मुखी जी, उनके साथ मिलके हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल MSC में बच्चों को अवेयर किया चार प्रकार के गार्बेज के प्रति और सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है गवर्नमेंट की तरफ से उसके प्रति। सर, इसमें क्या क्या बताया गया बच्चों को? इसमें देखिए, जैसे बच्चे पहली सीढ़ी होते हैं और आगे का भविष्य है। अगर हम बच्चों को ही इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे तो जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उनको बताया गया कि कितने प्रकार का कूड़ा होता है, जैसे चार प्रकार का। नॉर्मली बच्चों को दो प्रकार के कूड़े के बारे में पता था, तो हमने उनको चार प्रकार के कूड़े के बारे में बताया और सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ताकि वो मार्केट में जाएँ, कहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ हो रहा है वहाँ बैन के लिए बोल लें, लोगों को अवेयर करें और हमारा साथ दें। जी सर, प्लास्टिक को लेकर के भी बहुत अवेयरनेस की गई और सर उसको चार प्रकार के कूड़े को लेकर के जी, तो सर सर्वेक्षण चल रहा है सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत मेरी आपके चैनल के माध्यम से आम पब्लिक से ये अपील है कि पॉजिटिव फीडबैक दें, नगर निगम द्वारा जो भी एक्टिविटी कराई जाती है उसमें सहयोग करें और कंधे से कंधे मिला के चलें, ताकि हम सबके प्रयास से चंडीगढ़ को नंबर वन बनाया जा सके। ये भी देखा गया था कि आप लोगों ने बच्चों को लिंक दिया और कुछ पार्टिसिपेट, उसके बारे में बताया था कि जो लोग बच्चे आपको देख रहे हैं तो वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करें? देखो, जितना हम जागरूक कर पाएंगे, जागरूक करने का यही तात्पर्य है कि बच्चों को पता हो, ताकि जब वो फीडबैक देने बैठे तो उनको पता हो तो वो अच्छे सही फीडबैक दे पाएँ। इसीलिए हमने सभी पब्लिक को अवेयर किया है कि स्वच्छता से प्रति कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमसे पूछिए, हम मिलके यहाँ पूरा सफाई अभियान चलाएंगे और चंडीगढ़ को नंबर वन बनाने के लिए अपना सहयोग करेंगे और वो भी हमारे साथ मिलकर सहयोग करें। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन।